भीड़, भाग दौड़, ट्रैफिक, ये सभी शहरी जिंदगी के साथ धूप छांव की तरह जुड़े हैं। सबके अपनी जरूरतें, अपना संघर्ष है। रेप का मामला है और काफी टाइम से चल रहा है। रेप? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? अभी नहीं नीलम, लेकिन हो जाएगा। आयुष रोज पूछता है कि वो बड़े स्कूल कब जाएगा। पापा, आज मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया कि मैं इस साल बड़े स्कूल में एडमिशन लेने वाला हूँ। आयुष बेटा, वो बहुत महंगा स्कूल है। मैं सिर्फ बड़े स्कूल में जाऊँगा, वरना मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा। नहीं जाऊँगा स्कूल। आयुष, बोला भैया। कागज कलम दो ना हमको। अच्छा भैया, दो चाय भी दे देना। अच्छा, पढ़ाई लिखाई शुरू कर ली क्या? नेक्स्ट, ये लो चाय। नौ बजे बैंक खुलती है। दो बजे कैश बैंक। आज भी 1:30 बजे गया खाना खाने। आज भी 2 बजे आया वापस। क्या भाई, आज भी बैठे बैठे पूरा दिन निकाल दिया? क्या करें बोला भैया, कुछ काम ही नहीं हम लोग के पास। सही कह रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? स्नेहा मैम, वो मैं। वो क्या, फिर से फॉलो कर रहे हो ना मुझे? तन्मय, मैं ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आप अगर ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी। स्नेहा मैम, आई रियली लाइक यू। मैं पूरे दिन आपके बारे में ही सोचता हूँ। घर जाओ प्लीज, और ये सब भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपसे देखा नहीं गया ना मेरा मार खाना? अरे मेरी बात तो सुनो मैम। ये लो, आ गई तुम्हारी टीचर। क्या हुआ स्नेहा, इतना लेट क्यों हो गई? बस वो ऐसे। अच्छा बच्चों, तुम लोग चैप्टर 13 पढ़ना शुरू करो, मैं आती हूँ। ओके स्नेहा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? जी पापा, मैं चेंज करके आती हूँ। डेढ़ बजने को आया, जाता क्यों नहीं है यार? जहाँ गरीब और लोअर मिडिल क्लास नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास प्रमोशंस के लिए, हायर पैकेज के लिए जूझ रहे हैं। जिंदगी की इस रेस में सभी भाग रहे हैं, लेकिन पता है परेशानी तब होती है जब पैसे कमाने की होड़ में इंसान क्राइम का रास्ता पकड़ लेता है। तब सिर्फ तबाही होती है उस इंसान के इर्द गिर्द सबकी। नमस्कार,
मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। सर हमारा लंच ब्रेक 1:30 से 2 बजे तक होता है, उसी दौरान दो आदमी बैंक में आए थे, फिर मुझसे जबरदस्ती लॉकर खुलवाया। हमारा सिक्योरिटी गार्ड रमेश उनको रोक ही लेता, मगर उनके तीसरे आदमी ने बेचारे को गोली मार दी। ये मीडिया वाले बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए चोरी हुए, कैसे है? जी सर 1:30 से 2 बजे के बीच में जो भी फुटेज है वो दिखाइए। सर सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर विजिबल है, सफेद गाड़ी के बारे में सारी इंक्वायरी निकाल और वो तीन चोर उनके फोटोग्राफ्स सभी जगहों पर सर्कुलेट कर। सर जिस प्लानिंग के साथ लूट हुई है लगता तो है वो लोग प्रोफेशनल्स थे, ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे होंगे। पॉसिबल है, पिछले हफ्ते की सारी फुटेजेस को स्कैन करो, आई एम श्योर उन तीनों में से कोई एक इंसान बैंक में आएगा बैंक की रेकी करने के लिए। सर जैन सर सॉरी सर थोड़ा सा लेट हो गया था। इस पेन ड्राइव में एक फुटेज है, उसमें एक सफेद गाड़ी है, उसका पूरा रोड मैप चाहिए मुझे। कंट्रोल रूम से बात करो और ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर जितने भी फुटेजेस हैं उनको स्कैन करो। आप तुम इन तीनों चोरों में से किसी को जानते थे? जी नहीं सर। एक और बात, इन लेजर्स के मुताबिक इन 2 सालों में आपकी बैंक में 15-20 लाख से ज़्यादा कभी जमा नहीं हुए, तो ये 2 करोड़ जैसी बड़ी रकम कहाँ से? वो एक्चुअली सर एक नई पेंशन योजना के चलते उस वीक में काफ़ी कैश जमा हुआ था। इस बात के बारे में और किस किस को पता था? मुझे और हमारे कैशियर अनिल, सिर्फ हम दोनों को। दो नहीं 5, आप 2 और वो 3 लुटेरे। जी हाँ सर आप सही कह रहे हैं, उनमें से एक ने ये बात बोली भी थी। इसका मतलब कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व है इसमें? नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा स्टाफ लॉयल है। और आप? जी सर आप कहना चाह रहे हैं कि इस लूट में मैं शामिल हूँ? वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। सर तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जाऊँगा सर। महीने में कितनी बार एक ही बहाना बनाओगे राघव, ये आखिरी बार अलाउ कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सुनो तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ, वरना कब का निकाल दिया होगा। मेरी बेबी को गुस्सा हो गया, पर कोई ना अपनी बेबी के लिए ना एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आया हूँ, वो देखकर बेबी का मूड ठंडा हो जाएगा। इतना महंगा फोन, इतनी तो तेरी मंथली सैलरी भी नहीं है राघव। स्नेहा गिफ्ट देने वाले के ना पैसे नहीं दिल देखा करते हैं, रख ले। नहीं मैं नहीं रख सकती। प्लीज आई सेड नो। ओके फाइन। भैया आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? जी हाँ। एक काम करना, ये गिफ्ट ना अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। वो क्या है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड ये गिफ्ट रख नहीं रही है। थैंक यू भैया। नहीं 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 क्या कर रहे हो आप ये? प्लीज आई एम सॉरी, ये मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। आयुष बेटा पापा आए क्या? फोन भी बंद आ रहा है, कहाँ चले गए? अबे साले गोली क्यों चलाई तूने? ए, अगर ये गोली नहीं चलाता ना तो चौकीदार हम लोग को मार देता। सिर्फ बैंक लूटने की बात हुई थी, वो आदमी उधर मर गया है, हम पुलिस पीछे पड़ेगी हमारे, बहुत गलत हुआ है। अरे भाई करोड़ों रुपए अपने पास पड़े हैं और ये आदमी कह रहा है कि गलत हुआ है, समझाओ इसको। और सुनो तुमने जो भी कुछ किया है ठीक किया, बिल्कुल टेंशन मत लो और तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। अनंत कुछ पता चला? नहीं सर, हमने बैंक मैनेजर और कैशियर दोनों से सख्ती से बात की, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ग्रिल करते रहा। आई एम श्योर बैंक का ही कोई आदमी है जो इस बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व है। तो सफेद गाड़ी के बारे में पता चला? सर कार चोरी की थी, नोएडा से उठाई गई थी, ओनर ने कंप्लेंट भी फाइल की थी। हाँ आपका शक सही तो सर, ये देखिए
वो तीसरा शख्स जिसने गोली चलाई थी, ये पिछले एक हफ्ते से बैंक में 3-4 राउंड लगा चुका है। सर ये पक्का रिकी करने आया होगा। लेकिन बैंक मैनेजर सतीश ने कह रहा था इन तीनों में से किसी को जानता नहीं है। मैनेजर साहब को बुला लो, अच्छे से पूछताछ करेंगे उनकी। चंदर जी सर, यान उस सफेद गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हाईवे के टोल नाके पर आखिरी बार दिखी थी, उसके बाद से किसी भी सिग्नल पर नहीं दिखी है। लगता है कि वो लोग गाड़ी छुपा करके कहीं पैदल गए हैं। आखिरी बार जहाँ पर वो गाड़ी दिखी थी वहाँ के शॉप्स, घर, CCTV फुटेज सब कुछ खंगाल। ओके ठीक है सर। सर हाँ, आपसे भी मिलने आए। बुलाओ। यस सर। ये आपके पति है? हाँ साहब, ये मेरे पति भोला हैं। आप लोग नेशनल बैंक के सामने रहते हैं? हाँ, दरअसल साहब मैं और मेरा बेटा आयुष घर पर थे और मेरे पति दुकान पर, पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गए। मैं उनको फोन भी कर रही हूँ लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। ये और इनके दो साथियों ने नेशनल बैंक लूटा है और वहाँ के गार्ड को गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति ने बैंक लूटा, गोली चलाई? नहीं, मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, देखिए, अगर आप इनका पता ठिकाना जानती है तो प्लीज बता दीजिए। और इनके साथियों को जानती हैं आप? नहीं साहब, मैं इन्हें नहीं जानती। आपके घर के सामने एक बैंक लूट लिया जाता है, गोली चलती है और आपको पता तक नहीं चला? मुझे पता चला साहब, लेकिन मैं अपने पति को लेकर बहुत परेशान थी इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देखिए एक सीरियस मामला है, आपके पति पर लूट का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम है। मैं अपने बेटे आयुष की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती। देखिए हमें पूरा यकीन है कि भोला आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे और आप ही के जरिए हम भोला तक पहुंच सकते हैं। इनसे भोला का नंबर लो और सर्वेलेंस में डालो और पता करो कि लास्ट लोकेशन कहाँ थी। जाइए इनके साथ। क्या बात कर रहे हो, भोला ने बैंक लूटी है? वो तो बड़ा शरीफ इंसान है, 8 साल से भोला ये दुकान चला रहा है, आज तक उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और आप कहते हो उसने किसी की जान ली? ये नहीं हो सकता। ये नोटबुक आपके पति की दुकान से मिला 9 बजे सोमवार को, 2 बार कैश वैन आई 12 बजे, 4 बजे, और शनिवार को बैंक 2 बजे बंद हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपके पति बैंक रॉबरी में शामिल थे, पूरा प्लान लिखा है इसमें, देखिए। साहब ये मेरे पति की लिखावट नहीं है। तो फिर ये नोटबुक आपके पति की दुकान में क्या कर रही थी? साहब ये लिखावट उन दोनों लोगों की हो सकती है जिनकी फोटो आपने मुझे दिखाई थी। मैंने ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया लेकिन एक आधा बार हमारी दुकान पर बैठे हुए देखा था उनको। अब अचानक से आपको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा? देखिए अभी भी वक्त है, सच बता दीजिए। क्या बताऊं मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति निर्दोष है, वो किसी को नहीं मार सकते, साहब उन्हें फंसाया जा रहा है। ये हमारी बैंक में पहले आया है? मैं नहीं जानता सर। यही नहीं, इसकी दुकान आपकी बैंक के बिल्कुल सामने है। सर मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, मेरी पोस्टिंग इस शहर में बस 6 महीने पहले ही हुई है। और सर मैं भी पिछले 2 महीने से इस ब्रांच में हूँ। कम समय में काफी दोस्त बना लिए आप लोगों ने, और लूट का प्लान भी। नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं, हमारा इस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भोला उसके साथियों को 2 करोड़ के बारे में कैसे पता चला? इसकी इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ आप दोनों के पास थी ना। देखिए सच बोलिए वरना अगली पोस्टिंग सीधा जेल में होगी। सर एक बात पता चली है। स्नेहा कितनी बार पूछ चुका हूँ बताना क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ ना सॉल्व करने के लिए। राघव तू है मेरी प्रॉब्लम, कभी हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है तूने? हमेशा सोचता हूँ हम दो और हमारे एक। चला यार राघव हर बार मजाक, लेकिन लाइफ मजाक नहीं है। तुम बैंक एक मामूली से एम्प्लॉय हो, मैं अपनी फैमिली में तुम्हें मिलवाऊँ कैसे बोलो? अरे तो स्टार्टअप करने की तो कोशिश कर रहा हूँ ना स्नेहा। एक साल से सुन रही हूँ मैं तुम्हारा स्टार्टअप, कब होगा तुम्हारा स्टार्टअप? देख तू मेरा मूड मत खराब कर और दूसरे गुस्सा ना मेरे में मत निकाल। और इतना प्रॉब्लम था तो मिलने की वजह थी मेरे से? हाँ तुम नहीं समझो। सही है
सर, भोला के मोबाइल के लास्ट लोकेशन ट्रैक करके हम कहाँ तक पहुँचे। सर, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही भोला का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। शायद किसी ने देखे। जी सर। सर, भोला के साथ जो 2 लोग और थे उन दोनों की पहचान हो गई है। एक का नाम है बंटी, दूसरा का नाम है छोटू। दोनों मामूली स्टेशनर्स। सर, ये बंटी और छोटू दोनों ही मीरठ के रहने वाले हैं। दोनों पे कुछ छोटे मोटे चोरी और मारपीट के केसेस लगे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने इतना बड़ा कांड नहीं किया है। और भोला? सर, भोला का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। आस पड़ोस में कभी भी उसके साथ किसी का झगड़ा या कोई लड़ाई नहीं हुई। उल्टा लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा काम कर सकता। 8 साल से भोला बैंक के सामने अपनी दुकान चला। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसे बंदूक चलाई? सर, बैंक से लुटी हुई करेंसी के सीरियल नंबर मंगवाए, कल तक मिल जाएंगे। ठीक है, अपने खबरियों को एक्टिवेट कर। पूरा यकीन है कि ये तीनों जो है फरीदाबाद में ही कहीं। और एक और काम कर, पिछले महीने के जितने भी बैंक एम्प्लॉयज के फोन रिकॉर्ड्स हैं उन्हें स्कैन कर। आई एम श्योर कोई बैंक एम्प्लॉय इस बैंक रॉबरी में शामिल। सर, कौन होगा? चुप रहो। ये क्या मंगवाया तूने? अरे बताते हैं ना, रुक जा, खोलने तो दे इसको। ये देख, तब मक्खन मोबाइल है। यहाँ पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हम छुपते छुपाते फिर रहे हैं, और ये खरीदारी कर रहा है। अरे इसकी बेवकूफी की वजह से ना फंसेंगे हम सब लोग। अरे तुम ही बताओ भला भैया, हम क्या गलत बोले हैं? छोटू बंटी की बात सही है, अगर हम लोग होशियारी से नहीं रहे ना सब फंस जाएंगे। ठीक है, आगे से हम कुछ नहीं मंगवाएंगे, लेकिन हमें ऐसे मत डाटा करो। हाँ, प्यार से डाटा करो, वरना हमारी खोपड़ी हिल जाती है, समझे तुम लोग? अरे इतने पैसे लूटे हैं, मौज नहीं करेंगे तो क्या फायदा है, कि नहीं? हेलो, रिंग रोड सेक्टर 15 पहुंचो, बड़े काम की खबर है। ठीक है। यहाँ पर आया ही और वो भी अकेला। साहब, मैं घर जा रहा था तभी अचानक गोली की आवाज सुनी। सर, किसी को देखा? सर, पीछे से भागते हुए देखा, शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। हेलो, कहाँ पर है तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा? और ये पता कब आ रहा है? कौन बोल रहा? तू कौन बोल रहा है? और चंद्र का फोन तेरे पास कैसे आया? मैं इंस्पेक्टर सार्थक बोल रहा। चंदर की डेथ हो चुकी है। अब तू बता, तू कौन बोल रहा है? सॉरी सर, मैं कांस्टेबल हेमंत यादव, सर्विलेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। चंदर का दोस्त हूँ, मतलब था। चंदर की डेट कब हुई, कैसे हुई? यही तो पता करना। हेमंत, तुम सेक्टर 15 में रहते हो? जी नहीं सर, मैं गोपीनगर में रहता हूँ। चंदर मुझसे मिलने आने वाला था, आया नहीं, इसलिए मैंने कॉल किया। लेकिन हाँ सर, चंदर ने फोन पे बताया था उसके पास बैंक को लूटने वालों के ठिकाने के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तू कहाँ पर है अभी? मैं रिंग रोड यहाँ पे बस्ती में हूँ। पता चला है कि नेशनल बैंक लूटने वाले लुटेरे इस बस्ती में ही छुपे हुए हैं, मुझे आने में देर हो सकती है। सर, शायद चंदर को लुटेरों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन लोगों ने इसे गोली मार दी। लेकिन चंदर के पास अगर इन्फॉर्मेशन थी तो उसने हमारे साथ शेयर क्यों नहीं किया? उसे पता था कि रॉबर्स के पास गन है, तो फिर अकेले वो इस एरिया में क्या कर रहा था? एक काम करो और सबके घर की तलाशी लो, हो सकता है ये तीनों किसी के घर में छुपे हुए। सब अपने को तुर्रम खान समझते हैं। जिस दिन पुलिस के हाथे तड़ गए ना, तो 2 मिनट में हेगड़ी निकल जाएगी। ए, ताने मत मार, जो बोल रहा है ना मुंह पर सीधा बोल। हाँ तो बोल रहे हैं ना, तुम्हारी लापरवाही ने मरवाया हम सबको, वरना तो हम पता ना क्या। वरना तो क्या, देख ज्यादा बोले ना तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। ए छोटू, बस कर, हद में रह अपनी, चलो। साहब,
मुझे मेरे घर जाने दीजिए, मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा होगा। देखिए मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पति तो फंस ही चुके हैं, उनको बचाने के चक्कर में आप भी फंस जाएंगी तो सीधा जेल जाएंगी, जो जानती हैं आप बता दीजिए। साहब मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरे पति भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, जरूर उनकी मजबूरी रही होगी। ऐसी कैसी मजबूरी कि बैंक लूटना पड़े, मर्डर करना पड़े। सर इस नीलम का क्या करें, कब तक ऐसे बिठा के रखेंगे? जाने दो, लेकिन उसमें नजर बनाए रख, आई एम श्योर भोला से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। बैठ सर। सर मैं हेमंत यादव, सीनियर थे, वो हर हफ्ते अपना चश्मा गुम करते थे। एक बार उन्होंने चश्मा ना अपने यहाँ पे ऐसे माथे पे रखा हुआ था और सारे ऑफिस में ढूंढते फिरे थे। अच्छा बच्चों, आज मुझे जरा कुछ जरूरी काम है तो हम क्लास कैंसिल करते हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम है इसमें? तू कहे तो मैं पढ़ा दूँ बच्चों को। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक चलो बच्चों कल मिलते हैं, ठीक है? सर सर सारे फुटेज स्कैन किया तो उसमें भी वीडियो मिला, ट्रैफिक सिग्नल के फुटेज भी था सर। ये फुटेज तो चंदर भी देख रहा था, लेकिन उसने हमसे ये नहीं कहा कि उसने गाड़ी को स्पॉट किया था। अगर चंदर ने गाड़ी स्पॉट की, रॉबर्स की इंफॉर्मेशन थी उसके पास, तो फिर ये बात उसने हमसे क्यों नहीं बताई? सर हमने बस्ती में तीनों की फोटोज दिखाई, लेकिन किसी ने भी बंटी, भोला या छोटू को नहीं पहचाना। लेकिन चंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। सर चंदर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, अननेचुरल सेक्स, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ काफी दिनों से चल रहा था। इस इंफॉर्मेशन ने पुलिस को हैरानी में डाल दिया। पहले लग रहा था कि बैंक लूटने वालों को पकड़ने की कोशिश में चंदर मारा गया, लेकिन चंदर की गतिविधियां कुछ और ही बता रही थी। अकेले बिना सुपीरियर्स को इन्फॉर्म किए लुटेरों के पीछे जाना, सीसीटीवी वाली बात पुलिस से छुपाना, अब जो तथ्य सामने आया उसने इस केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। लेकिन इतना काफी नहीं था, अभी और भी चौंकाने वाले हादसे होने वाले थे। सर गले पे उंगलियों के निशान है, शायद मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई होगी। हो सकता है छोटू और भोला ने इसे मारा ताकि लूट की हिस्सेदारी कम हो। आसपास देखो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। टाइम नहीं है। अरे दिमाग लगता है सोचने के लिए। टाइम कहाँ है? अरे पुलिस यार, बुरा पुलिस क्या करे? चलो एक जगह है जहाँ से मदद मिल सकती है। पुलिस सर्विलांस विभाग में, मैं इसका मकान मालिक हूँ। कितने दिन पहले बात हुई थी आपकी इससे? सर 2 दिन पहले। सर ये बनारस जाने की टिकट्स बुक कर रहा था। सर ये बनारस का ही है, लेकिन ये बनारस जाने वाला है बताया नहीं। नहीं सर, हेमंत ने कोई छुट्टी गर्दी नहीं दी थी और ना ही मुझे पता था कि वो बनारस जाने वाला था। तुम्हारी 1-2 दिन पहले हेमंत से बात हुई थी? नहीं सर, पिछले 2 दिन से हेमंत ऑफिस नहीं आ रहा था और ना ही वो फोन उठा रहा है। सर मुझे कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है, उसके मौत के पीछे कोई साजिश है। कैसी साजिश?
नहीं सर, कुछ दिन पहले हेमंत के दोस्त चंद्र की भी हत्या हुई थी। हेमंत भी मारा गया और बनारस जाने की फिराक में था। गिरीश ने जैसे ही चंद्र की हत्या के बारे में बताया, मुझे लगा बात आपसे शेयर करनी चाहिए। हो सकता है दोनों मर्डर कनेक्टेड हो। सर, कुछ दिन पहले चंद्र हेमंत से मिलने ऑफिस में आया था। चंद्र तो अपना मुंह बंद रखेगा, अगर कुछ भी बोला ना जान से मार दूंगा मैं तुझे। हेमंत, मैं अब और सहन नहीं कर सकता हूँ, बस अब मैं सबके राज खोल दूंगा। मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मैं तुझे ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगा, समझा तू? अगर ऐसा कौन सा रास्ता है हेमंत का, जो बाहर आ जाता तो उसकी इज्जत भी जाती तो उसकी नौकरी। सर, कहीं हेमंत ही तो चंद्र को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रहा था? पॉसिबल है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आता हम कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सर, चंद्र के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, जिस दिन वो बैंक लुटेरों को पकड़ने के लिए बस्ती गया उसके एक घंटा पहले चंद्र को हेमंत का फोन आया था। सर, कहीं ये पूरा खेल जो है हेमंत का रचा है तो नहीं? हो सकता है उसने धोखे से चंद्र को बस्ती में बुलाया, फिर उसे वहां पर मार डाला और हमें मिसलीड करने के लिए झूठी कहानी बनाई। शायद उसने सोचा होगा कि बैंक लूट के केस की आड़ में अपना क्राइम छिपा लेगा। लेकिन अगर हेमंत मास्टरमाइंड है तो फिर हेमंत को मुझसे मारो। हेमंत की कॉल रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएगी, हो सकता है कोई क्लू मिले। कहीं हेमंत बैंक रॉबरी में शामिल तो नहीं था? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, ऐसा कैसे हो सकता है। अंधेरे में तीर चला रहा। एक काम करो, हेमंत के आस पड़ोसियों को जाकर बंटी, भोला और छोटू, इन तीनों के फोटोग्राफ दिखा, हो सकता है तीर निशाने पर लग जाए। राघव, सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो। स्नेहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कॉल करूंगा, बस प्लीज एक बार मिल लो स्नेहा। या फिर वही बात, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। स्नेहा प्लीज, बहुत अर्जेंट बात करनी है तुमसे, प्लीज एक बार मिल लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा, बस एक बार मिल लो प्लीज। लेकिन किसी ने भी उनको नहीं देखा, यानी सारी मेहनत बेकार गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है, भोला के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर पता चली है। क्या? साहब, हम अपने बेटे आयुष का दाखिला बड़े स्कूल में करवाना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। लूट के तीन दिन पहले आपके पति ने किसी साहूकार से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे और उसी के जरिए उसने आपके बेटे की फीस भरी थी। ये देखिए, 1.5 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम उधार ली? जी हाँ, वो भी भारी इंटरेस्ट में। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि वो लूट की रकम से ये कर्जे की रकम को लौटाना चाहते थे। आपका पति भोला इतना भी भोला नहीं था। आप मेरे पति को मुझसे ज्यादा जानते हैं क्या? साहब, ये पैसे उधार लेना, बैंक लूटना और गोली चलाना, ये सब मेरे पति से कोई करवा रहा है। साहब, मुझे लगता है कि मेरे पति बहुत बड़ी मुसीबत में है। आप उनको ढूंढ निकालिए, सारा सच सामने आ जाएगा। हेलो, हेमंत की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई, उसमें एक लड़की का नंबर है जिससे हेमंत पिछले कुछ दिनों से टच में था। लड़की का नाम क्या? सर, उस लड़की का नाम स्नेहा है और आज सुबह उसकी लाश मिली। पता चला वो पार्क में जॉगिंग करने गई, उसका फोन भी बंद और जब यहाँ आए तो शक्ल एसिड से जलाई गई है। स्नेहा का अफेयर था किसी के साथ? क्योंकि ऐसी हरकत कोई दिलजला आशिक ही कर सकता है। सर, हम पार्क में और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है किसी ने स्नेहा को किसी के साथ देखा हो। ठीक है, मैं तुम्हारे सीनियर से बात करता हूँ, कहीं ना कहीं ये केस और हमारा केस कनेक्टेड लगता है। उनसे कहता हूँ कि ये केस हमें ट्रांसफर कर दे। सर, मैं जानता हूँ एक नाजुक मौका है लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी होगी। ये हेमंत एक पुलिस कांस्टेबल, इसके मरने से कुछ दिन पहले आपकी बेटी स्नेहा इससे मिली थी, क्या आप इसे जानते हैं? मैंने इसे कभी नहीं देखा है। जहाँ तक मेरी बेटी की मौत का ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ सर के मेरी बेटी को उस तन्मय ने मारा। कौन तन्मय? हाँ सर, मैं स्नेहा मैम का पीछा करता था लेकिन मैंने उनको मारा नहीं है। देखो तन्मय, तुम स्टूडेंट हो इसलिए प्यार से पूछा, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास मुंह खुलवाने के। सच सच बताओ। नहीं सर, मुझे मारा मत, मैंने तो कई दिनों से स्नेहा मैम का पीछा करना ही छोड़ दिया था जब से उस पुलिस वाले ने मुझे डराया था। पुलिस वाले? हाँ सर। स्नेहा मैम, ये आपकी। उस दिन की मार खाकर भी नहीं सुधरे तुम? मैम आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस थोड़ी देर बैठना चाहता था आपके साथ। ए मजनू, क्या कर रहे थे? अभी मुझ के बाल नहीं निकले, लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, ले चलो थाने। नहीं सर, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहा हूँ, सबक सिखाना पड़ेगा ना। चल उठक बैठक निकल, उठक बैठक लगा, चल।
हाँ सर, यही था पुलिस वाला, स्नेहा मैम का बॉयफ्रेंड। सर मैंने स्नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक कर लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता स्नेहा और हेमंत के बीच कोई अफेयर चल रहा था, क्योंकि तन्मय को सबक सिखाने के बस एक दिन पहले ही हेमंत और स्नेहा ने पहली बार बात की थी। उसके बाद उन दोनों में लगातार बात नहीं होती थी और ना ही कोई लंबी चैट। और चंदर और स्नेहा के बीच? सर उन दोनों में तो कभी बात होती ही नहीं थी। दो लोग मिलते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों का मर्डर हो जाता है। हमें ये पता लगाना होगा आखिर हेमंत स्नेहा से पार्क में मिला क्यों, दोनों का रिलेशनशिप क्या था। सर एक लड़का है राघव, पिछले कई महीनों से स्नेहा के साथ राघव की लगातार बात होती थी, यहाँ तक कि देर रात तक। राघव? कहीं ये राघव स्नेहा का बॉयफ्रेंड तो नहीं? हो सकता सर, क्योंकि जिस दिन स्नेहा का मर्डर हुआ था राघव का फोन उस दिन उसी एरिया में एक्टिव था। एक और बात सर, राघव नेशनल बैंक के दूसरी ब्रांच में काम करता था, लेकिन उसके इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के चलते पिछले महीने उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। कहीं ये राघव इस चक्रव्यूह का मास्टरमाइंड तो नहीं? उठा के ले गया उस राघव को? जी सर, मैं और स्नेहा रिलेशनशिप में थे, पर सर उसका मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना इन बैंक रॉबरी से। सर इनको तो मैंने कभी पहले देखा भी नहीं। सर क्या मैं जा सकता हूँ? चुपचाप बैठे रहो, इंटरोगेशन के लिए बुलाया तुम्हें। 2 करोड़ रुपयों की चोरी हुई है, 2 पुलिस वाले मारे गए, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्नेहा जब उसका मर्डर हुआ पार्क में तुम वहीं पर मौजूद थे, क्या कर रहे थे वहाँ पर? मैं तो उसे सब सच बताने गया था। कौन सा सच? मुझे जॉब से निकाल दिया गया, पर आई प्रॉमिस कि मैं 1 महीने के अंदर नया जॉब ढूंढ लूंगा और फिर हम तुम्हारे पापा से बात करने चलेंगे अपने बारे में। मुझे बस थोड़ा सा और समय दे दो प्लीज। बोल लिया तुमने, अब मुझे तंग मत करना, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सब मैटर नहीं करता राघव। सर पता नहीं स्नेहा को क्या हो गया था, मेरी बातों को कुछ उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। पिछले कुछ टाइम से सर बहुत अजीब बिहेव करती थी। सर मुझे तो लगता था कि कुछ ऐसी बात थी जो मन ही मन उसको खाई जा रही थी, जो किसी से वो शेयर नहीं करना चाह रही थी। तेरी नौकरी तो गई है, तेरी हड्डियां भी जाएंगी। सच सच बता, तुझे शक था ना कि हेमंत और स्नेहा का अफेयर चल रहा है, इसलिए स्नेहा को मार दिया, उसका चेहरा जला दिया। कौन हेमंत? मैं तो उसे जानता भी नहीं। सर स्नेहा को मैंने नहीं मारा। हेलो सर, चंदर और हेमंत दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया कि चंदर की तरह। और अब तक हम ये समझ रहे थे कि हेमंत ने चंदर को एक्सप्लॉइट किया, जबकि हेमंत खुद ही एक विक्टिम है। कहीं स्नेहा के साथ भी? नहीं सर, स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इस केस में चल क्या रहा है? आमतौर पर ऐसे केसेस के अंदर विमेन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती है, यहाँ तो आदमी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा है। ऊपर से ये भी पता नहीं चल रहा है कि हेमंत और स्नेहा के बीच में क्या रिलेशनशिप था। हेलो नीलम, बोला कहाँ है आप? और ये जो पुलिस कह रही है सब झूठ है ना? बोलो ना झूठ है। देखो आप यहाँ आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया ना, तो ये पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। नीलम मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। आप मुझे और आयुष को छोड़कर कहाँ जाएंगे? और कोई रास्ता नहीं है नीलम। ये आपने क्या कर दिया, अपने बेटे की बातें पर धब्बा लगा दिया। ऐसा मत बोल नीलम, जब मिलूंगा तो बताऊंगा कि जो किया क्यों किया। ये केस था तो बैंक रॉबरी का, लेकिन इस बीच में 4 जाने जा चुकी थी। 2 पुलिस कर्मियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का चौंकाने वाला खुलासा हो चुका था। लग रहा था जैसे ये सारी वारदातें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन कैसे, इस बात पे अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ था। क्या वाकई इन घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन था, या ये सिर्फ पुलिस का एक इंस्टिंक्ट था? पुलिस अभी तक इसी असमंजस में लगी हुई थी कि अचानक एक ऐसी खबर मिली जिसने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। सर मैंने नेशनल बैंक के सभी एम्प्लॉयज के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, एक को छोड़कर बाकी सब क्लीन है। इज अ ब्लैक शीट, संजीव नाम है उसका, कैशियर अनिल के अंडर काम करता है। सर भोला और संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स में मुझे 1 नंबर हमेशा कॉमन दिखा है। उठा के ले गया संजीव का, उसका अकाउंट अब हम सेटल करेंगे। सर ये सब रिकॉर्ड आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? मेरा इस रॉबरी से कोई कनेक्शन नहीं है सर, मैं तो खुद उनकी बंदूक आगे हाथ ऊपर करके खड़ा था। ये मत सोचना कि रॉबरी के चार्ज में तुझे अंदर लेके आए तो तुझे बेल हो जाएगी। मर्डर का भी चार्ज लगाया तुझ पे, तेरी वजह से एक इनोसेंट आदमी की जान गई है। वो गार्ड रमेश, हमारे 2 कांस्टेबल मारे गए। सर मुझे मत फंसाइए सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर। सर भोला रोज रोज बैंक आ रहा था, मैंने इस बात को नोटिस किया, मुझे लगा कि ये कुछ बड़ा कांड करने की फिराक में। मुझे एक आइडिया आया सर और मैं भोला से मिला। अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं,
मैं तो बस यहाँ खाता खुलवाने आया था। मुझे पता है तू झूठ बोल रहा, तू रोज बैंक आता, सीसीटीवी की तरह तेरी नजर कोने कोने में घूमती है। नहीं सर, डरने की जरूरत नहीं, अब मैं भी तेरे साथ हूँ, चल मिलकर कुछ बड़ा करते। सर भोला ने मुझे अपने दो साथियों से मिलवाया। मुझे बैंक में 2 करोड़ रुपए आए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी? जी सर। कहाँ छुपे बैठे ये छोटू और बंटी? गाजियाबाद में मेरा एक दोस्त है, उसके घर पे। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो। अरे चल दीजिए सर। बोल। सर हमने तो सिर्फ काम किया था जो हमें बताया गया था, प्लान हमारा नहीं था। तो किसका प्लान था? सर ये मंदारी, शराफत, ये सब सब झूठ है सर। 8 साल रगड़ दिया खुद को, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। बच्चे को उसके पसंद के स्कूल तक नहीं भेज सकता मैं। बैंक मेरे सामने था और मेरी जेब खाली। तभी एक दिन छोटू बट्टी मिले। अरे भोला भैया, कोई काम धंधा बताओ ना, जिसमें थोड़ा पैसा वैसा मिले अपने को। क्या बताएं तुम्हें, हम खुद ठन ठन गोपाल हैं। तुम लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी भर रोते रहो पैसों के लिए। अरे भोला भैया, तुम्हारे सामने तो पैसों का गोदाम लगा है, बैंक है, जाके निकाल लो। और हाँ, अगर कट्टे वट्टे की जरूरत है ना तो मुझे बताना, मैं गाँव से मंगवा दूंगा। छोटू की बात दिमाग में बैठ गई थी, ठान लिया था कि बैंक तो लूटेंगे। फिर मैंने प्लान बनाना शुरू किया, छोटू बंटी बैंक लूट के गांव चले जाएंगे, मैं बस प्लान बनाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। तो संजीव शामिल हुआ तुम्हारे प्लान? हाँ, उसका भी फायदा हुआ। पहले तो हम लाखों का सोच रहे थे, लेकिन अब बात करोड़ों की थी। सब ठीक चल रहा था सर, बस वो गार्ड वो वक्त से पहले आ गया और सब कुछ बिगाड़ दिया उसने, इसलिए मजबूरी में मुझे सामने आना पड़ा। बंटी को क्यों मारा? घबरा गया था। अबे तुम दोनों को यहाँ रहकर मरना है ना तो मरो, हम चले अपने गांव। तू गांव नहीं जाएगा, तू जेल जाएगा, और इसके चक्कर में हम लोग भी जेल जाएंगे। समझता नहीं है यार? अरे नहीं समझ गया हमको खुद भी यार। कांस्टेबल चंदर को क्यों मारा? कांस्टेबल चंदर? सेक्टर 15 में रहते हो ना तुम लोग, वहां पर मिलने आया था तुम लोग। सेक्टर 50? सर हम तो वहां कभी नहीं रहे। झूठ मत बोलो वरना। अरे सर झूठ काहे बोलेंगे, गार्ड को मारा तो बता दिया, बंटी को मारा तो बता दिया, अगर उनको भी मारते तो बता देते सर। पैसे का? सर पैसे हमारे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? सर वो आप ही के डिपार्टमेंट के एक पुलिस वाले हैं, आपसे पहले उन्होंने हमें ढूंढ लिया था, उन्होंने हमसे सारे पैसे ले लिए और एहसान में हमें छोड़ दिया। कौन है वो पुलिस वाला? नाम तो नहीं पता, लेकिन इसकी गलती से पहुंचे थे वो हम तक। इसने मोबाइल ऑर्डर किया था ऑनलाइन। मैं गेहूं, कई मर्दों के साथ संबंध रहे मेरे, हेमंत और चंदर के साथ भी। दोनों अपना मुंह ना खोल दी इसलिए मैंने उनके वीडियोस बना के रखे हुए थे ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सकूं। जब जी मन करता मैं उन्हें बुलाता और मजे करता उनके साथ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, दोनों मुझे धमकाने लगे, कहने लगे कि अगर मैं नहीं रुका तो वो सारी दुनिया के सामने मेरे राज खोल देंगे। कभी बैंक रोबरी की घटना घट गई, इस पर चंदर काम कर रहा था। पहले तो मैंने लुटेरे को ट्रैक किया और उनसे लूट के पैसे लेकर चंदर को बहाने से फ़ोन करके बुलाया, इसलिए वो भागने की फिराक में था। इससे पहले वो भागता अपनी बेटी स्नेहा को क्यों मारा? क्योंकि वो हेमंत को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, उसने हेमंत के रेप के वीडियोस मेरे फ़ोन में देख लिए थे। मेरी अपनी बेटी मुझे ही धमकाने लगी। पापा मुझे पता चल गया आप ये हो, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप एक खूनी हो, एक रेपिस्ट हो, और इस गुनाह की सजा तो आपको मिलनी चाहिए। बेटा मेरी मजबूरी थी, और जिस राज को छुपाने के लिए आपने मासूमों की जान ली, अब मैं खुद उस राज को सबके सामने बताऊंगी। मेरी अपनी बेटी मेरे लिए खतरा बन गई थी, अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं गे हूं तो लोग मुझे मर्द नहीं समझते, उल्टा हंसते मुझ पे। अब जब ये राज अखबारों की सुर्खियां बनेगा, किस किस को मारोगे तुम? देखिए समलैंगिक होना कोई गुनाह नहीं है, ये एक आदमी या औरत होने जितना स्वाभाविक है, नेचुरल है, और अब इस बात को हमारा कानून भी मान्यता देता है। मैं समझती हूँ हमारे समाज का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो LGBT राइट्स के बारे में खुल के बात नहीं करता है, जो इनको इनफैक्ट समझता भी नहीं है,
नवीन ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। ये नतीजा था एक छुपी हुई जिंदगी का। उसे लगा था कि उसकी समलैंगिक होने की बात अगर सबके सामने आएगी तो उसका मजाक उड़ेगा, उसकी मर्दानगी पे लोग हंसी उड़ाएंगे। लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपनी कमजोरियों को छुपाना, अपने डरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, क्या ये मर्दानगी है? ऐसी भयभीत जिंदगी का क्या फायदा? बल्कि मैं तो पूछूंगी, क्या ये जिंदगी है? माने या ना माने, ये हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है आज, और इसे एड्रेस करना, इसे संबोधित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे नजरअंदाज करके अब हम नहीं रह सकते, ताकि कोई मर्दानगी की एक गलत परिभाषा में उलझ के इंसानियत से दूर ना चला जाए, क्राइम का रास्ता ना पकड़ ले। तभी हम एक अच्छा और स्वस्थ समाज बना पाएंगे। सद्भावना और आपसी सम्मान की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत परिवार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।